पिहोवा में बिजली कर्मचारियों में भारी रोष, पावर हाउस पर ड्यूटी कर रहे मनदीप सिंह पर हमला किया। अंकुश व अमन ने काफी मारपीट की, इसलिए कर्मचारियों में काफी रोष है और उन्होंने 2 घंटे ऑफिस बंद रखा और नारे लगाए, कहा इतने दिनों से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पुलिस प्रशासन पर भी काफी दुख प्रकट किया। इतने दिनों के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और बिजली कर्मचारियों को बीजेपी सरकार पर भारी रोष है और उनका कहना है मौके पर जो मंत्री हैं उन पर भी काफी रोष जताया है और यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में कार्यवाही ठीक से नहीं कर रही। जब एसएचओ साहब से बात की, जब हरियाणा ब्यूरो हरकेश राणा ने हरियाणा एसएचओ साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि एक लड़के को गिरफ्तार किया है लेकिन दूसरे कर्मचारी ने कहा कि वह नाबालिग है और हमने तफ्तीश करके उसको छोड़ दिया। उसके ऊपर हमारे साथी मनदीप सिंह ऐसे अपनी ड्यूटी पे तैनात थे तो संदोला गाँव के ही 2 युवकों ने, शरारती तत्वों ने आकर उन पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। सारी की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी और नेक्स्ट डे हमने उनको एडमिट करवाया, उनका मेडिकल करवाया और उसके तुरंत बाद हमने जानकारी पुलिस प्रशासन को दी और 12 तारीख शाम को पुलिस प्रशासन के द्वारा FIR नंबर 381 काट दी गई थी जिसमें विभिन्न धाराएँ लगाई गई थी। और लेकिन आज 20 दिन गुजर जाने के बाद भी हमने बहुत बार बलविंदर राणा जो IO हैं उसे भी मुलाकात की, सर्कल साहब हमारे साथ थे, उसके बाद जो SHO नए आए हैं पहले वाले ट्रांसफ़र हो गए उनसे हम कल भी मिले, उससे पहले भी कई बार मिले, लेकिन उन्होंने जब हमने बाई नेम FIR में नाम दिए हुए हैं अंकुश और अमन निवासी संदोला और CCTV फुटेज उनको उपलब्ध करवा दी। जब हमने CCTV में पूरी वारदात कैद है तो किसी तरह के दूसरी गवाही या साक्ष्य की जरूरत नहीं रह जाती, पर हमारे द्वारा सारे प्रूफ दिए जाने के बावजूद भी हमारे द्वारा जो MLR साथी के चोटें लगी थी उसकी कॉपी भी प्रोवाइड करवा दी, FIR भी उन्होंने लॉन्च कर दी, लेकिन भारी दबाव के कारण BJP सरकार का प्रेशर उनके ऊपर है क्योंकि जो शरारती तत्व है हमारे लोकल मिनिस्टर के द्वारा उसको पूरी शह दी गई है और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही और आज हमने 2 घंटे के लिए दफ्तर बंद किया है। अगर SHO ने अपना रवैया चेंज नहीं किया, उनको शाम तक अरेस्ट नहीं किया तो यह धरना हम पूरे दिन का चलाकर सारे काम को ठप करके यहाँ धरना देंगे। अगर फिर भी नहीं सुनवाई होगी तो हम पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर धरना देंगे और जब तक साथी गिरफ्तार नहीं होते, हमारे साथी को न्याय नहीं मिलता, तब तक हम ऐसे ही अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।